हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेज़। क्लिक ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा सऊदी अरबिया का जो एक टेलीकॉम ऑपरेटर है दोस्तों, एसटीसी नाम का एक टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसका एक ऐप है दोस्तों माई एसटीसी नाम का। तो मेरा एक व्यूअर्स मेरे को रिक्वेस्ट किया था जो माई एसटीसी ऐप जो है इसके अंदर अपना एसटीसी नंबर कैसे रजिस्टर करता है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, माई एसटीसी ऐप के जरिए अपना मोबाइल नंबर, एसटीसी मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर करता है। इसका रजिस्टर करने का आपको दोस्तों फ़ायदा भी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे रजिस्टर करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल को भी दबाइए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, जाके माई एस टी सी सर्च कर लीजिए। उधर जाके आप अपना एस टी सी माई एस टी सी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके भी आप सीधा प्ले स्टोर में आ सकते हैं दोस्तों। तो मैंने डाउनलोड करके रखा हो दोस्तों, ये माई एस टी सी नाम का ऐप है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर कैसे रजिस्टर करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं ओपन कर लेता हूँ माई एस टी सी ऐप। तो दोस्तों, माई एस टी सी ऐप में ओपन कर रहा हूँ अभी। दोस्तों, इधर रजिस्टर करने का दो तरीका है दोस्तों। आप नॉर्मली इसको बस यूज़ करना चाहता है तो लॉगिन पे जाइए। लॉगिन पे जाके दोस्तों, ये लॉगिन टू स्पेशल नंबर में आके आप अपना मोबाइल नंबर डालेगा तो सीधा आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा, जैसे व्हाट्सएप की नंबर वेरीफाई करता है। इस तरह का एक ओटीपी आएगा आपका नंबर पर, आप जाके ये वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का वेरीफाई करने से, इस तरह का अकाउंट बनने से, जो रजिस्टर करने से जो 100 किताब पॉइंट देता है, यानी 100 किताब पॉइंट जो देता है, आपको नहीं मिलेगा। तो आप सीधा आके दोस्तों लॉगिन पे नहीं, आप रजिस्टर में जाइए दोस्तों। ये रजिस्टर में जाना दोस्तों, उसके बाद आपने कौन सी आईडी देके अपना सिम लिया है, एसटीसी सिम, वो पहले सिलेक्ट करना। तो आप एकामा दे के लिया है तो एकामा रखना, और सऊदी आईडी में दिया है तो सऊदी आईडी रखना दोस्तों। तो मेरा जो है एकामा पे है, तो मैं एकामा रख रहा हूँ, और एकामा नंबर इधर एंटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं एंटर कर दिया ये। अब आके दोस्तों इधर मोबाइल नंबर मांग रहा है, जो एसटीसी का मोबाइल नंबर है, तो मैं एंटर कर रहा हूँ दोस्तों। ये रहा दोस्तों एक मोबाइल नंबर। यूज़र नेम जो होगा दोस्तों, आपका नाम और नंबर दोनों होना चाहिए। ये होगा दोस्तों यूज़र नंबर। दोस्तों, इधर आके आपका ईमेल आईडी भी डाल लेना है, तो आपका ईमेल आईडी आप डाल लेना। ये रहा दोस्तों ईमेल। तो दोस्तों, मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब कंपनी की तरफ से एक मैसेज आएगा, जिसके अंदर अपना पासवर्ड रहेगा, लॉगिन का जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड रहेगा। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी एक मैसेज आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैसेज भी आ चुका है, और मैं खोल के देख लेता हूँ इसके अंदर पासवर्ड है। तो दोस्तों, पासवर्ड है, मैं अभी लॉगिन में जाऊँगा और अपना यूज़र आईडी इधर डाल के और पासवर्ड भी डाल के मैं इसको लॉगिन करूँगा। तो दोस्तों, मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों मैंने इंटर कर दिया, तो इसको मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ। और एक ओटीपी आएगा मेरा मोबाइल नंबर से, इस नंबर से आएगा दोस्तों। तो ओटीपी भी आ चुका है दोस्तों, ये ओटीपी अब इंटर करना है दोस्तों। अभी ओटीपी जो है 6737।
ये दोस्तों ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मोबाइल नंबर से जब आप रजिस्टर करेगा दोस्तों, तो आपको 100 किताब पॉइंट दिया जाता है जब नया नंबर से आप रजिस्टर करेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन में ओके कर दिया। ये डिटेल्स भरना है, तो अभी फ़िलहाल में इसको नहीं भरना हो। तो मेरा पहले से मेरा 10 किताब पॉइंट था, अब मैं चेक करूँगा मेरा कितना पॉइंट है किताब पॉइंट। ये मेरा बैलेंस शो हो रहा है दोस्तों, 10 वाला इधर पड़ा है। लोकेशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, लोकेशन मेरे को ऑन नहीं करना है। तो दोस्तों मेरा जो बैलेंस है वो भी दिखा रहे हैं। तो इधर आके पूरा फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो किताब पॉइंट में चेक कर रहा हूँ दोस्तों, किताब पॉइंट कितना दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं 110 पॉइंट है दोस्तों। तो अब जब भी कोई नए मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करेगा दोस्तों, आपको 100 पॉइंट दिया जाता है दोस्तों। और 100 पॉइंट में क्या क्या ले सकते हैं मैं एक दूसरा वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उधर जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह का आपको रजिस्टर करना है। पहले जब रजिस्टर में जाएगा, आपको आईडी नंबर प्रूफ करना है, जो जिसके ज़रिए आप सिम लिया था दोस्तों। उधर आके अपना मोबाइल नंबर, अपना यूज़र नेम, अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। तो यही है दोस्तों प्रोसेस, इस तरह का रजिस्टर करता है दोस्तों। और रजिस्टर करिए और किताब पॉइंट आप फ्री में 100 पॉइंट हासिल कर लीजिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।